हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जिस फ्लावर का डाइसेक्शन करने वाले हैं और जिस फ्लावर के टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझने वाले हैं वो है यूफोर्बिया पल्चीराइमा। आपने इस फ्लावर को अपने आसपास बहुत देखा होगा, जिसे हम कॉमनली लाल पत्ता के नाम से भी जानते हैं। ये जो फ्लावर है यूफोर्बिया पल्चीराइमा, ये जो प्लांट है, ये बिलोंग करता है फैमिली यूफोर्बिएसी से। इसी की फैमिली, इसी के नेम पर बेस्ड इसकी फैमिली का नाम है, दैट इज़ यूफोर्बिएस। तो चलो इस फ्लावर को अच्छे से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा फ्लावर। आप यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट बेसिकली जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव, जो इस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे कि फ्लावर हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, तो ब्रैक्ट उससे अटैच होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रैक्ट है हमारा, वो हमारा इन्फ्लोरेसेंस से अटैच है। ये इन्फ्लोरेसेंस है यूफोर्बिएसी फैमिली में। जो यूफोर्बिया पल्चीराइमा है उसकी बहुत ही खास बात होती है ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है ये। तो आप देख सकते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस के बेस से, ये देख सकते हैं आप, बेस से एक लीफ निकल रही है, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। बेसिकली ये जो लीफ होती है वो कलरफुल होती है और इसका काम होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ताकि पॉलिनेशन यहाँ पे अच्छे से हो सके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं क्लास की। तो यहाँ पे क्लास है क्लास डाइकोटिलेडोनी, सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी। सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ यहाँ पे यूनिसेक्सुअल्स, फैमिली है यूफोर्बिएसी एंड जीनस है यूफोर्बिया एंड स्पीसीज है पल्चीराइमा। हमने आपको हर वीडियो में, जब भी मैं आपको डाइसेक्शन बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जीनस और स्पीसीज़ का नेम हमें कैसे लिखना है। आई होप अभी तक आपने हमारे जो पहले के वीडियोज़ हैं वो आपने देखे होंगे और आपको जीनस एंड स्पीसीज़ का नेम करेक्टली कैसे लिखना है वो आपको लिखना आता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूफोर्बिया लिखा है, तो जीनस में जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ ई, ई हमें हमेशा कैपिटल बनाना है और उसके बाद हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। सेकेंड स्पीसीज़, स्पीसीज़ में फर्स्ट लेटर दैट इज़ पी, वो हमें स्मॉल बनाना है और उसको अंडरलाइन करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने यूफोर्बिया एंड बंथिंग, उन्होंने लिखा यूफोर्बिया, आप कौन कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। यूफोर्बिया पल्चीराइमा, ठीक है, लिखा उन्होंने, कैसे अंडरलाइन कर दिया, पूरा ऐसे अंडरलाइन कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। कैसे अंडरलाइन करना है, यूफोर्बिया को सेपरेट अंडरलाइन करना है एंड पल्चीराइमा को अलग अंडरलाइन करना है, दोनों को एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। जीनस एंड स्पीसीज को, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, ना कि सीधे एक लाइन खींच देनी है, ओके, याद रखना है इस बात को। इसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझेंगे और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और हमें कमेंट में ये भी बताना है कि नेक्स्ट आपको किस फ्लावर का डाइसेक्शन वीडियो देखना है। अब बात करते हैं इसकी हैबिट की। तो इसकी जो हैबिट होती है वो श्रब होती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम यहाँ पे हर्बेसियस होता है, यानी कि स्टेम ग्रीन होता है, बट जो लोअर पोर्शन होता है वो वुडी हो जाता है, ठीक है। तो सो लोअर पोर्शन इज वुडी, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट यानी कि एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, ठीक है, इरेक्ट होता है, एंगुलर होता है, तो स्टेम इसका एंगुलर होता है, ब्रांचिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, सॉलिड स्टेम होता है, रफ एंड ग्रीन होता है, मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें स्टेम में भी मिल्की लेटेक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेम है, ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, दैट इज मिल्की लेटेक्स, ठीक है। अगर हम स्टेम को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेम को यहाँ पे हम दबा रहे हैं, तो स्टेम यहाँ पे हमारा सॉलिड है, ओके। आप देख सकते हैं इसका कलर देखें तो यहाँ पे स्टेम ग्रीन कलर का है, ठीक है, बट जो थोड़ा सा पुराना प्लांट होता है वो वुडी हो जाता है, ठीक है। तो आपने सब कुछ यहाँ पे जो है वो देख लिया। यहाँ पे स्टेम में क्या क्या पड़ा, स्टेम यहाँ पे हर्बेसियस है, लोअर पोर्शन वुडी होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, एंगुलर होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड, रफ एंड ग्रीन, मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। अब बात करते हैं लीफ की। तो लीफ यहाँ पे रैमल, कॉलाइन एंड रैमल होती है। अब कॉलाइन एंड रैमल कौन सी लीफ होती है, तो मेन स्टेम हो गई है, ठीक है। तो ऐसे लीफ जो मेन स्टेम में बॉन्ड करती है, उसके अलावा जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस में भी क्या करती है, लीफ बॉन्ड करती है। तो मेन ब्रांच में, मेन स्टेम में बॉन्ड करने वाली लीफ को कॉलाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो लेटरल स्टेम में, जो लेटरल ब्रांच होती है उसमें बॉन्ड करने वाले लीफ को रैमल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे कॉलाइन एंड रैमल क्यों बोल रहे हैं। कॉलाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लीफ है वो मेन स्टेम में बॉर्न कर रही है, एंड रैमल बोला क्योंकि लीफ जो है वो लेटरल ब्रांचेस में भी बॉर्न कर रही है। तो यहाँ पे लीफ कॉलाइन एंड रैमल होती, अल्टरनेट पे अरेंज, लीफ अल्टरनेट होती, अल्टरनेट यानी कि ऐसे ऐसे एक दूसरे से अल्टरनेट पे लीफ अरेंज होती हैं। एक स्टिपुलेट होती है, यानी कि जो स्टिप्यूल होता है वो एबसेंट होता है। सिंपल लीफ होती है,
पेटियोलेट होती है। तो यहाँ पे एक लीफ को तोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छी लीफ नहीं है, लीफ यहाँ पे हमारे यहाँ पे सूख चुकी है। तो आप देख सकते हैं लीफ जो है वो पेटियोलेट है, पेटियोल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हम जब यहाँ पे लीफ को तोड़ रहे हैं तो कितना सारा मिल्की लेटेक्स बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ लीफ है जो थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो लीफ है पेटियोल पेटियोलेट है, और पेटियोल फिलीफॉर्म होता है इसका, पेटियोल। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो, शेप देखें तो ओवेट शेप की लीफ है, इंटायर है, यानी कि पूरी जो इसकी मार्जिन है वो कैसी है, इंटायर मार्जिन है। इसका अपेक्स देखें तो इसका अपेक्स एक्यूट अपेक्स है, आप देख सकते हैं इसका अपेक्स एक्यूट अपेक्स है ये। एंड लीफ को छूकर देखें तो लीफ काफ़ी स्मूथ है। अब इसमें वेनेशन की बात करें तो यहाँ पे यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। दिस इज़ यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, एंड आप देख सकते हैं लीफ में भी मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो लीफ यहाँ पे कॉलाइन एनरामल होती है, आपको पता है हमने कॉलाइन एनरामल क्यों बोला है। अल्टरनेट होती है, एक्सिस्टिपुलेट होती है, सिंपल होती है, पेटियोलेट होती है, पेटियोल फ्लीफॉर्म होता है, शेप इसका ओवेट होता है, मार्जिन इसकी इंटायर होती है, एक्यूट एपेक्स होता है, एंड यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एंड मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। दीज ये फीचर्स हैं जो आपको लीफ में याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यूफोरबिया पल्चीराइमा की हैबिट, लीफ और स्टेम। हैबिट, स्टेम और लीफ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यूफोरबिया पल्चीराइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बहुत ही स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसको हम साइथियम बोलते हैं। अब ये साइथियम है क्या, इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट्स आप देख सकते हैं रेड कलर के ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फ्लावर दिखे रहा, दिस वन। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, इसको तोड़ा है तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना लेटेक्स गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये एक साइथियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक साइथियम को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं, तो ये जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नेक्टरी फॉर्म हुई है। ठीक है, दिस इज़ नेक्टरी, और यहाँ पे नेक्टरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्टरी है। ठीक है, नेक्टरी आपने देखी, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में है दैट इज़ फीमेल फ्लावर। सेंटर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं ये फीमेल फ्लावर है, और उसके चारों ओर आप देख सकते हैं मेल फ्लावर ने फीमेल फ्लावर को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे दीज आर द मेल फ्लावर्स, और मेल फ्लावर के सेंटर में है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली, तो ये है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, जो कि यूफोरबिया पल्चीराइमा का बहुत ही स्पेशल फीचर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस साइथियम है, अभी हमने आपको साइथियम का पूरा एकदम इनलार्ज व्यू करके दिखाया है। तो यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं साइथियम की। तो सम ब्रैक्ट्स आर रेड कलर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ब्रैक्ट्स आर रेड कलर, एंड सम ब्रैक्ट्स आर रेड कलर एंड लीफ लाइक, वेयर एज अदर्स विच आर इनसिग्निफिकेंट फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर ऑन आउटसाइड ऑफ विच इज प्रेजेंट अ नेक्टरी एंड इनसाइड अ नंबर ऑफ फेल एंड इनसाइड अ नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स सराउंडिंग अ सिंगल फीमेल फ्लावर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेल फ्लावर जो हैं वो सिंगल फीमेल फ्लावर को सराउंड करते हैं, यहाँ पे केवल एक सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एलेस ऑफ साइथियम, साइथियम के यहाँ पे एलेस बनाया है। जब एलेस साइथियम को कट किया तो यहाँ पे सेंटर में हमें अंदर अंदर में हमें यहाँ पे मेल फ्लावर देखने को मिलते हैं, और सेंटर में एक सिंगल फीमेल फ्लावर देखने को मिलता है। मेल फ्लावर यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे फीमेल फ्लावर सिंगल ही है, ठीक है। फीमेल फ्लावर, तो दिस इज़ फीमेल फ्लावर, ओके, एंड दिस इज़ नेक्टरी, दीज आर द मेल फ्लावर्स, दिस इज़ ओवरी, एंड इन साइड द ओवरी देयर इज़ ओव्यूल इज़ प्रेजेंट, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज़ स्टिग्मा। तो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ साइथियम। अब बात करते हैं मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर की। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल फ्लावर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ सिंगल स्टेमन विच हैज़ लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट हैविंग अ जॉइंट इन द मिडिल, द एंथर इज मोनोथिकस बेसिफिक्स्ड इंट्रोस, मेल फ्लावर आर इन द एक्सेल ऑफ स्केलोपैक्स। तो यहाँ पे ये कुछ फीचर दिए हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ सिंगल स्टेमन, बट यहाँ पे हमारे पास जो साइथियम है उसमें यहाँ पे हमें 1 2 3 आप देख सकते हैं, दिस 1 2 3 4 4, यहाँ पे हमें 4 स्टेमन देखने को मिल रहे हैं। दिस इज लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट एंड विच हैज़ अ ज्वाइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये एंथर लोब प्रेजेंट है। एंथर जो है वो 1 2 3 नहीं, हमें 1 2 यहाँ पे 4 देखने को मिले, या तो 1 स्टेमन हो सकते हैं या तो 1 2 4 स्टेमन हो सकते हैं। स्टेमन वैरी कर सकते हैं, स्टेमन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेमन हमने इन्फ्लोरेसेंस देखा, उसमें जो स्टेमन थे वो 1 2 4 थे। फिलामेंट यहाँ पे लॉन्ग सिलेंडर है एंड बीच में एक ज्वाइंट भी देखने को मिलता है। जो एंथर्स हैं, एंथर्स आर मोनोथिकस, बेस से एंथर फिक्स्ड होते हैं, एंथर्स आर इंट्रोस एंड मेल फ्लावर आर इन द एक्सिल्स ऑफ द स्केलोब्रैक्ट्स, ओके। अगर हम आप फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें मेल फ्लावर के, तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक प्रेजेंट था, दैट इज ब्रैक्टिएट मेल फ्लावर, कैलिक्स एबसेंट, कोरोला एबसेंट एंड एंड्रोसियम 1 2 4 एंड गाइनोसियम 0। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मेल फ्लावर ऑफ यूफोर्बिया पल्चिराइमा। तो इसका जो लास्ट फीचर हमारा बचा है दैट इज फीमेल फ्लावर, उसको पढ़ लेते हैं देन इसके समराइज करते हैं। फीमेल फ्लावर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई अ सिंगल गाइनोसियम placed on a long stalk, gynosium is tricarpellary, syncarpus, ovary superior, trilocular with one ovule in each locule, presentation exile and style short, stigma 3 and each is bifid। ये सारे फीचर जो हमने पढ़े इसमें, अब हम इसको अपने फ्लावर में देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है फीमेल फ्लावर का, ठीक है। दिस इज फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टाइल यहाँ पे बहुत शॉर्ट है, यहाँ पे स्टाइल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एंड स्टिग्मा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टिग्मा है और स्टिग्मा यहाँ पे बाईफिट है। तो ये देखिए बाईफिट स्टिग्मा है, आप देख सकते हैं जो गाइनोसियम है वो एक बहुत ही लॉन्ग स्टॉक, यहाँ ये दिस इज ये लॉन्ग स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक में हमारा गाइनोसियम प्रेजेंट है। गाइनोसियम जो है वो ट्राईकार्पिलरी है एंड सिनकार्पस है, ओवरी यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है एंड स्टाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। स्टाइल शॉर्ट है और स्टिग्मा यहाँ पे 3 है, 3 स्टिग्मा है, 1 2 3 थ्री। पे जो हमारा फीमेल फ्लावर है दैट इज़ ओनली अ सिंगल गाइनोसियम प्रेजेंट ऑन अ लॉन्ग स्टॉक, गाइनोसियम यहाँ पे ट्राइकल्परी, हमने यहाँ पे टीएस ऑफ ओवरी बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लॉक्यूल है और 3 लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल प्रेजेंट है। दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज लॉक्यूल, दिस इज ओव्यूल, दिस इज द टीएस ऑफ ओवरी एंड दिस इज फीमेल फ्लावर, दिस इज पेडिसल, दिस इज ओवरी, दिस इज स्मॉल स्टाइल एंड स्टिग्मा यहाँ पे 3 है और स्टिग्मा जो है वो बाईफिड है। अब बताते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो ब्रैक्टिएट फीमेल फ्लावर, कैलिक्स 0, कोरोला 0, इंड्रोसियम 0,
एंड गाइनोसियम 3 है, दैट इज सिनकार्पस. तो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फीमेल फ्लावर. एंड इसके फ्रूट की बात करें अगर, तो फ्रूट यहाँ पे हमें कैप्सूल देखने को मिलता है, कैप्सूल फ्रूट देखने को मिलता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट यूफोर्बिया पल्चीराइमा. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब आपको नेक्स्ट किस फ्लावर का डाइसेक्शन और उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझना है, आप उस फ्लावर को कमेंट कर सकते हैं. गुड बाय.